हेलो गाइस, मैं दीप्ति शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बेसन का चीला बनाना सिखाऊंगी। देखो, ये मैंने बेसन लिया है, ये मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है, ये छोटी सी बारीक कटी हरी मिर्च ली है, और ये बारीक कटी प्याज ली है, और ये मैंने बारीक कटा धनिया लिया है, और ये मैंने बारीक कटा टमाटर लिया है। मैं इन सबको ऐड करके एक स्पाइसी चीला बनाने जा रही हूँ। गाइस, पहले मैं बेसन डालूंगी एक बाउल में। दो से तीन चीले बनाएंगे हम। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी, ये शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, बारीक कटे टमाटर, बारीक कटी प्याज एंड बारीक कटा धनिया। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। गाइस, अब मैं इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि बेसन की गांठें ना रहें, नहीं तो हमारा चीला अच्छा नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि हमारा मटेरियल अच्छे से सेट हो जाए। चारों तरफ ऑयल डालेंगे, बहुत ही हल्के हाथ से चारों तरफ से इसको फिटाएंगे। देखिए, हमारा चीला हट गया है। अब हम इसको पलट देंगे, एक साइड से सीख चुका है अच्छे से, दूसरे साइड से और सीख रहा है। चारों तरफ ऑयल डालेंगे, बहुत ही हल्के हाथ से चारों तरफ से इसको फिटाएंगे। देखिए, हमारा चीला हट गया है। अब हम इसको पलट देंगे, एक साइड से सीख चुका है अच्छे से, दूसरे साइड से और सीख रहा है। Thank you.
मैंने हमारे चीले रेडी हो चुके हैं। ये काफ़ी देखने में अच्छे लग रहे हैं। जितने ये देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने ही खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्पाइसी भी काफ़ी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो गाइस तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।